दोस्तों नमस्कार। आज का विषय है गुमशुदा व अपहृत अवयस्क बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित प्रकरणों में अभियोग पंजीकृत कर सम्यक समयबद्ध विवेचना करते हुए उनकी बरामदगी सुनिश्चित कराए जाने हेतु। जैसा कि आप जानते हैं, प्रदेश में गुमशुदा व अपहृत अवयस्क बालकों बालिकाओं एवं युवतियों के संबंध में प्राप्त सूचना पर सहानुभूतिपूर्वक तत्परता से विधिक कार्रवाई किए जाने हेतु इस मुख्यालय स्तर से समय समय पर विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। मुख्यालय स्तर से निर्गत परिपत्र में ऐसे प्रकरणों में अपनाई जाने वाली मानक कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण अंकित किया गया है। इनमें से कुछ परिपत्रों का उल्लेख पार्श्व अंकित है। अपहृत व गुमशुदा अवयस्क बच्चों एवं युवतियों के मामलों में प्रदेश स्तर पर चलाए गए ऑपरेशन मुस्कान के अनुरूप बेशक जनपदों द्वारा सराहनीय एवं उल्लेखनीय कार्य किया गया है, परंतु कतिपय जनपदों की पुलिस द्वारा ऐसे मामलों में ऐसी संवेदनहीनता के साथ कार्य किया जाता है जिसके कारण पीड़ित के माता पिता को माननीय न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है और कभी कभी माननीय न्यायालय के समक्ष पुलिस को अत्यंत असहज एवं दुरूह का स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक प्रकरण जनपद इलाहाबाद के थाना धूमनगंज एवं खुल्दाबाद से संबंधित है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या 24693/2017 वसीम फातिमा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के रूप में हाल ही में संज्ञान में आया है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रकट होता है कि संबंधित थानों की पुलिस कार्यप्रणाली से माननीय न्यायालय द्वारा अत्यंत अप्रसन्नता व्यक्त की गई है तथा यह भी आभास होता है कि मुख्यालय से निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः आप लोगों से पुनः अपेक्षा की जाती है कि आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करेंगे कि गुमशुदा व अपहृत अवयस्क बच्चों एवं युवतियों के मामलों में सहानुभूतिपूर्वक पूर्ण तत्परता से कार्रवाई करते हुए उनकी बरामदगी का हर संभव प्रयास करेंगे। ऐसे मामलों की चर्चा अपराध गोष्ठी में की जाएगी और प्रत्येक घटना की समीक्षा संबंधित पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा करके संबंधित पुलिस अधीक्षक के माध्यम से इस मुख्यालय को अवगत कराया जाएगा। इस मुख्यालय स्तर से पूर्व में निर्गत परिपत्र उत्तर प्रदेश पुलिस की सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, उन्हें डाउनलोड कर उनका सम्यक अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए और ऐसे मामलों की चर्चा अपराध गोष्ठी में की जाए और विवेचना एवं बरामदगी के गुणात्मक सुधार लाया जाए। ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए जिससे पुलिस बल की छवि धूमिल हो। परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक कम से कम 3 बार प्रतिवर्ष गुमशुदा व अपहृत बच्चों के संबंध में जनपद स्तर पर की गई कार्यवाही की गहन समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक के प्रयास का आंकलन कर उनके वार्षिक गोपनीय मंतव्य में इस कार्य में प्रदर्शित की गई अभिरुचि के संबंध में टिप्पणी करेंगे। जोनल अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक वर्ष में कम से कम 1 बार ऐसे मामलों की गहन समीक्षा अवश्य करेंगे। धन्यवाद।